कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हो रही कार्रवाई के विरोध में हमीरपुर गांधी चौक पर जिला कांग्रेस कमेटी ने धरना प्रदर्शन किया। राहुल गांधी पर की जा रही कार्रवाई का इसके साथ साथ विरोध जताया गया। धरना प्रदर्शन के दौरान कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक चेयरमैन और जिला अध्यक्ष कांग्रेस कुलदीप पठानिया की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान पूर्व राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अनिता वर्मा, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल व अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। धन्यवाद। जो कुछ केंद्र सरकार में घटना घट रही है और जिस तरह कांग्रेस पार्टी के नेता के ऊपर जो इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत जो कार्रवाई की है वो लोकतंत्र प्रणाली में और हिंदुस्तान की राजनीति में एक बहुत ही शर्मनाक और घटियापन सरकार का दर्शाता है कि आज ये सारी संस्थाओं के ऊपर अपने कब्जे में करते हुए जिस तरह ने देश की संपत्ति बेची उसी तरह अब ये न्याय भी बेचने के चक्कर में चले हुए हैं। उस उपलक्ष्य में हमने हमारी पार्टी ने हमारे अध्यक्ष साहब खड़गे साहब ने और सब ने आज पूरे भारतवर्ष में जिला स्तर के ऊपर इस तरह का धरना रखा है और उस धरने के उनके आदेशों के अनुसार हम उस धरने में यहाँ शामिल हुए हैं ताकि ये जो अन्यायी सरकार है जिस तरह ये देश का लोकतंत्र चला रही है जिस तरह ये तानाशाही बनी हुई है उसको जो है वो उसके खिलाफ हमारा ये कार्रवाई है कांग्रेस पार्टी की और साथ ही सारा विपक्ष दल भी इस पर चिंतित है कि लोकतंत्र में जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो हो रही हैं और सिर्फ इसलिए किया गया कि राहुल गांधी ने जिनको संसद में अडानी के मामले में इनकी जो सच्चाई बताई और तथ्यों के साथ बाहर आए तो जब वो संसद में जाते थे उनको बोलने देते थे तो ये भावना लेके इन्होंने इनके पीछे मनसा ये थी कि अडानी के खिलाफ जो बोला वो इनका दुश्मन है वो देश का चाहे कितना बड़ा नेता है चाहे कितना बड़ा लोकतंत्र की प्रणाली है उसको ध्वस्त करने के चक्कर में है क्योंकि इनके दोस्तों को नहीं कुछ बोले चाहे सारे लोग जो है LIC और जो SBI बैंक के जितने भी वो शेयर थे वो चाहे लोगों का हिस्सा था वो सब लूट लिए उसके बावजूद भी आज इन्होंने इस तरह की राजनीति कर रहे हैं लेकिन आने वाले कल कांग्रेस जो है वो चुप नहीं बैठेगी और लगातार इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेगी। जो डेमोक्रेसी खत्म हो रही है उसके खिलाफ एक सत्याग्रह है। आज पूरे हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी जो है वो कंगार तक पहुंच गई है क्योंकि जब तक विपक्ष नहीं होगा तो पक्ष की जो पार्टी है वो सरकार नहीं चला सकती। विपक्ष आपको बार बार ये एहसास दिलाता है कि कोई ना कोई कमी जो रह गई है इस देश को चलाने में जो सरकार बैठी है सत्ता में उससे तो विपक्ष उसको नज़र दिखाता है बताता है और अगर आप एक डिक्टेटरशिप के तहत होकर इस विपक्ष को ख़त्म करने की कोशिश करें तो मैं समझती हूँ कि डेमोक्रेसी जो है वो ख़त्म हो जाए। और आज जो ये इशू है ये कोई राहुल जी की सदस्यता पर नहीं है क्योंकि राहुल जी अगर सदस्य रहे ना रहे वो राहुल गांधी हैं। वो ऐसे परिवार से आते हैं जिसने इतना बलिदान दिया हुआ इस देश को कि इस परिवार को पीढ़ियां दर पीढ़ियां नहीं भूल सकती। तो राहुल गांधी जी को अगर एक सांसद का जो एक दर्जा है वो महत्व नहीं है। और बड़े आश्चर्य की बात है हम क्योंकि ये केस कोर्ट में था और है सब ज्यूडियस है इसके बारे में नहीं बोलेंगे लेकिन हम ये ज़रूर बोलेंगे कि इसके पीछे जो राजनीतिक एक लक्ष्य था जो आपके एक राजनीतिक गुजरात के मोदी हैं वो एक केस करते हैं आज से 3 साल पीछे और 2 साल के बाद उसको स्टे करा देते हैं और अचानक जब राहुल जी अडानी के बारे में बात करते हैं लोकसभा में पूछते हैं कि ये जो आपकी बेशक मिलिट्री की जो डीलिंग है दूसरी डीलिंग है ये सिर्फ अडानी जी के ही कहने पर और उनके पैसे लगने पर क्यों हो रही है। क्या अडानी जी ने आज आम आदमी का पैसा नहीं खाया है? क्या आज हम अडानी जी को माफ़ कर सकते हैं और उनके खिलाफ क्या हम JPC नहीं बिठा सकते हैं? ये जो कुछ बातें राहुल जी ने कही उस पर अचानक वो मोदी जी ने इस केस को और तीव्र कर दिया और वहाँ पर जो जजमेंट आई वो उनको 2 साल की सज़ा की आई और ये भी देखा गया कि 2 साल की ही सज़ा हो ताकि उनकी जो अपनी सदस्यता है वो ख़त्म हो जाए।
हम आज लड़ रहे हैं, बेशक सारी पार्टीज, हम ही नहीं, जो भी सारी पार्टीज जो बैठी हैं सत्ता से बाहर, वो लड़ रही हैं इंसाफ के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। और हम एक आवाज़ उठा रहे हैं कि ये जो आपका डिक्टोरियल बिहेवियर है, इसको बंद कीजिए। आज हमने बड़ी मुश्किल से आज़ादी प्राप्त की थी।